हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर डूइंग एक्टिव पैसिव एंड पास्ट फॉर्म। और आज हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे टेंसेस होते हैं उसको हमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है जो हमारा पास्ट में है, क्योंकि प्रेजेंट में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। सो सबसे पहले यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में अगर हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं इन अ पैसिव वॉइस, वहां पर हम वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो वॉज वर वर्ब के साथ में आईएनजी होता है, जहां पर हमें वॉज वर के साथ में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ध्यान रखना है एक चीज और कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा जो हमारी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे फिर वो प्रेजेंट की बात हो रही हो या वो पास्ट की बात हो रही हो। नेक्स्ट, अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एंड अगर हम पैसिव में जाकर देखें तो हैड के साथ में हमारा बीन लग जाता है एंड इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके अंदर हमारा हैड बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, जहां पर हमें पैसिव वॉइस नहीं होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ मैंने 10 सेंटेंस लिखे हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेंसेस, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट है कहाँ लगेगा एंड वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कैसे चेंज होती है। सो यहाँ पर है ही रॉट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ये हमारा कौन सा टेंस को इंडिकेट कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पर अगर मुझे पैसिव वॉइस में करना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसे हमें सब्जेक्ट की जगह रखना है, विच इज अ लेटर, तो हम लिख देंगे अ लेटर। अगर लेटर हमारा एक है तो हमें यहाँ पर लगाना है वॉज, अगर लेटर हमारा बहुत ज्यादा होता तो हम क्या लगाते हैं वहां पर, वर लगाते। सो अ लेटर वॉज। अब यहाँ पर है रॉट, रॉट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, विच इज रिटर्न बाय। अब यहाँ पर गिवन है ही, तो ही का जाकर के यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, हिम लग जाएगा। ही का हो जाता है हिम, क्योंकि शी का हर हो जाता है ना। सो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। माई पेरेंट्स वर वॉचिंग दैट मूवी। अब यहाँ पर हमारे को सब्जेक्ट क्या लिखना है, दैट मूवी। देखिए अब यहाँ पर सिर्फ एक मूवी की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, यहाँ पर वर्ब लगाया हुआ है और वर्ब के साथ में यहाँ पर आईएनजी है, वर्ब के साथ में आईएनजी है, विच इज आर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर हमें क्या पुट करना है, बीइंग पुट करना है। सो दैट मूवी वॉज बीइंग, वर्ब है यहाँ पर वॉचिंग, तो वॉचिंग का क्या बन जाएगा, Watched by, अब यहां पर है my parents, तो यहां पर by my parents आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। Next, I was learning my lesson, अब यहां पर देखो यहां पर given है was और यहां पर verb के साथ में ing है, so was and ing कहां पर था हमारा, past continuous tense, तो इसको हमें करना है convert in a passive voice, तो यहां पर हम कर देंगे my lesson, lesson हमारा यहां पर एक है तो हम लगा देंगे वॉज, और वॉज के साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, वॉज बीइंग। अब यहाँ पर देखना है लर्निंग, सो लर्निंग इज आर जो हमारा यहाँ पर लर्न वर्ड होता है उसका आईएनजी है, तो यहाँ पर हमें इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो लर्निंग का हमारा हो जाएगा लर्नड बाय मी। अच्छा मैंने यहाँ पर मी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर गिवन था आई, तो आई हमारा हमेशा हमें क्या कन्वर्ट करना है पैसिव में, मी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पर, दे वर टेलिंग अ स्टोरी। अब यहाँ पर भी हमें ये पहले देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जिसे कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर दे के साथ में वर लगाया हुआ है एंड आईएनजी, तो वर वॉज वर और आईएनजी कहाँ आता है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। सो अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, अ स्टोरी, एक स्टोरी है तो वॉज लगा देंगे, बीइंग, अब यहाँ पर टेलिंग है सो टेलिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, टोल्ड By them, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे है, सो दे का हमने क्या कर दिया, them कर दिया। Next, I was teaching English. अब यहाँ पर भी हमारा past continuous tense की बात हो रही है, so English was और teaching है, so teaching का हम लिख देंगे taught by
मी, क्योंकि यहाँ पर गिवन था आई, इसलिए हमने एड में किया है मी. नेक्स्ट, रुचि हैड डन द वर्क. अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या गिवन है, वर्क की थर्ड फॉर्म एंड हैड गिवन है. सो हैड जो होता है वर्क की थर्ड फॉर्म, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है. सो अब यहां पर हमें बीन लगाना है, जो कंटिन्यूस के होते हैं जिसके अंदर हमें लगाना होता है बी ई आई एन जी बीन. एंड यहां पर जो परफेक्ट का होता है उसमें बी डबल ई एन लगाना होता है, विच इज बी. सो यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं, द वर्क हैड बीन, अब डन है. सो डन, ये हमारा वर्क का ऑलरेडी यहां पर जो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन ऑलरेडी गिवन है, तो हमें उसको वैसे ही लिखना है, डन बाय रुचि. यहां पर नाम दे रखा है तो यहां पर भी हम लिख देंगे रुचि. नेक्स्ट, दे हैड फिनिश्ड द वर्क. अब यहां पर भी हैड है, विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है. सो द वर्क, अब यहां पर भी हैड आ जाएगा, हैड बीन. देखिए अब यहां पर फिनिश्ड है, जो ऑलरेडी वर्क की थर्ड फॉर्म है, जो फिनिश होता है उसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों फिनिश्ड एंड फिनिश्ड होता है. सो यहां पर द वर्क हैड बीन फिनिश्ड By, अब यहां पर क्या है, दे. सो एंड में आ जाएगा them. ठीक है. नेक्स्ट, ही हैड विजिटेड द स्कूल. अब यहां पर भी हमारा हैड है, सो हमें यहां पर क्या लगाना है, द स्कूल हैड बीन विजिटेड. विजिट का थर्ड फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म सेम होता है, विजिटेड. सो यहां पर लिख दीजिए विजिटेड By he है, so he का क्या हो जाएगा, him हो जाएगा. Next, they had cut the trees. यहाँ पर जो had given है, तो had के साथ में हमारा been लगता है और ये indicate कर रहा है हमारा past perfect tense को. So यहाँ पर आप लिख दीजिए the trees. अब यहाँ पर trees है, so had आ गया, had के साथ में had been आ गया, cut by. अब यहाँ पर दे रखा है they, तो they का क्या हो जाएगा, then. अब लास्ट सेंटेंस है हमारा, राधा वॉज वॉशिंग क्लोथ्स. तो यहाँ पर आप चीज को, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर वॉज वर्ब गिवन है एंड यहाँ पर वर्ब की साथ में आईएनजी गिवन है, तो विच इज इंडिकेटेड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो क्लोथ्स. अब क्लोथ्स जो है, इसमें हमारा बहुत सारे क्लोथ्स है, यहाँ पर एक क्लोथ्स की बात नहीं हो रही है. सो क्लोथ्स के साथ में हम यहाँ पर लगा देंगे वर बी वॉशिंग का, वॉश्ड बाय, यहां पर गिवन है राधा. सो आप यहां पर लिख दीजिए राधा. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए.